हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद साक्षी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ नया बनाने वाले हैं। ना ये इडली है, ना ये डोसा है, कुछ नया है, आप इसे जरूर ट्राई करना। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरे आने वाले चैनल की न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। फ्रेंड्स, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल। मिक्सिंग बाउल में सबसे पहले हम लेंगे दोस्तों एक कटोरी सूजी। बारीक वाली सूजी लें आप दोस्तों, ये मैंने बारीक सूजी ली एक कटोरी। नेक्स्ट मैंने लिया है एक कटोरी दही। जितनी हम सूजी लेंगे उतना ही हम दही लेंगे। नेक्स्ट मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक। पहले हम दही से सूजी को अपनी मिक्स करेंगे एकदम अच्छी तरीके से, और इसका जो घोल है ना वो हमें थिक सा बनाना है। अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसमें पानी डाल सकते हो, लेकिन इसका जो घोल है ना बेटर, वो हम थोड़ा थिक ही बनाए तो इसे एकदम अच्छा बनेगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारा बैटर बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है। हम इसे 10 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे, तब तक हम आलू की स्टफिंग बना के रेडी करेंगे। ये मैंने लिए 4 बॉयल आलू। अब हम सभी आलूओं को अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑयल फ्री रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करना। ये मैंने इसी तरीके से सभी आलूओं को कद्दूकस करके रेडी कर लिया। 1 चम्मच तेल में दोस्तों हमारा बहुत ही ज्यादा यम्मी टेस्टी न्यू नाश्ता बन के रेडी होगा। आप इसे झटपट अपने चिन में बनाए, बच्चे से खाना जरूर पसंद करेंगे। ये मैंने एक कढ़ाई में लिया है दोस्तों 1 टेबल स्पून ऑयल। इनको हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। आप इसमें जो अपना फूड ऑयल यूज करती हूँ आप बोले, जैसे मैंने तो सरसों का तेल लिया दोस्तों। सरसों के तेल से ना दोस्तों टेस्ट ही अलग आता है, आप इससे खाना जरूर बनाया करें। ऑयल बिल्कुल गर्म होके रेडी है दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून राई। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 छोटी चम्मच हल्दी, और इन सबको हम 10 सेकंड के लिए भून लेंगे दोस्तों। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे अपने कद्दूकस किए हुए सभी आलूओं को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, और कुछ मसाले डालेंगे दोस्तों। पहली जैसे आप मसाले डालते हैं, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आमचूर पाउडर। नेक्स्ट मैंने लिया है दोस्तों धनिया पाउडर। नेक्स्ट हम लेंगे दोस्तों हरे धनिया पत्ती। नेक्स्ट मैंने लिया है दोस्तों काली मिर्च पाउडर, जो आप नॉर्मली मसाले इसमें डालना पसंद करते हो आप डालें। लास्ट में मैंने दोस्तों डाला इसमें चाट मसाला। चाट मसाला से टेस्ट ही अलग आएगा, और इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। जैसे आप चाट मसाला डालना चाहें ओनली चाट मसाला डालें, या आमचूर पाउडर डालिए, चाट मसाला ना डालें, मैं टेस्ट के लिए दोनों ऐड कर दिया है दोस्तों। और इसको हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे, और हमारी आलू की स्टफिंग को दोस्तों हम ठंडा होने रखेंगे। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये हमारी आलू को मिक्सचर में अच्छी तरीके से मसाले मिक्स हो गए, आप देख सकते हैं हमारी स्टफिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने रखेंगे दोस्तों। जब तक ये ठंडा है और ये हमारी स्टफिंग, ये मैंने लिया है एक स्टील का पतीला दोस्तों। जो भी आप ले वो नीचे से फ्लैट हो बिल्कुल, जिससे हम जो ग्लास वगैरह रखेंगे वो बिल्कुल भी उसमें गिरेंगे नहीं। ये मैंने लिया है 1/2 कप पानी। स्लो गैस पे इसको गर्म होने देंगे दोस्तों, और जब तक हमारी आलू की स्टफिंग ठंडी होगी और हम अपने ग्लासों को अच्छी तरीके से ग्रीस करेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों मेरी आलू की स्टफिंग मैंने ठंडी होने रख दी है दोस्तों। आप इसे फ्राई करते टाइम इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, आपको प्याज डालना पसंद हो। मैंने उसे स्किप किया था, और मैं अब बता रही हूँ आपको, आप जैसे इसमें प्याज डालना पसंद करें तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। जब तक दोस्तों हमारी ये स्टफिंग ठंडी होगी, अब हम अपने गिलासों को बढ़िया तरीके से ग्रीस कर लेंगे। ये मैंने सेम साइज के और बिल्कुल प्लेन ग्लास लिए हैं दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी जो अंदर हो ना वो प्लेन होना चाहिए, वरना डिजाइन जो है ना वो उसी शेप में आ जाएगी, आप समझ सकती हैं। तो ये मैंने अच्छी तरीके से इसे ग्रीस कर लिया। मैंने इसी तरीके से अपने दोनों ग्लासों को ग्रीस कर लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अब हमारी स्टफिंग बिल्कुल ठंडी होके रेडी है। अब हम इसको, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वो बेल आइकन को हिट करो, जिससे मेरे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये मैंने सेम साइज के 3 भागों में आलूओं को बांट लिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और इसको हम एक लंबी लंबी शेप दे देंगे, जिससे
जैसे गिलासों में ये पूरे में फिल रहे, इसीलिए मैंने लंबी सी एक शेप दे दी है इसको। बहुत ही ज्यादा इजी रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स। आपको ये रेसिपी अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आप इसे किचन में जरूर ट्राई करना। जो हमने अपने आलुओं की स्टफिंग को शेप दी थी, अब हम उसको रखेंगे। गिलासों को हमने ग्रीस किया था उन्हीं में, और हमारे आलू की स्टफिंग को हम बीच में ही रखें, और साइड साइड से दोस्तों हम इसमें पूरी फिलिंग कर देंगे जो बीच में आलू का आएगा। देख सकते हैं आप, मैंने पूरी इसी तरीके से दोनों गिलासों को फिल कर लिया है, और अब हमारा कितना ही ज्यादा सुंदर लग रहा है आप देख सकते हैं। ऐसे ही जितना ये अभी सुंदर लग रहा है उससे ज्यादा तो दोस्तों ये बन के सुंदर और टेस्टी भी बहुत बनेगा, आप इसे ट्राई जरूर करना। इसी तरीके से मैंने दोनों गिलासों में स्टफिंग फिल कर ली है आलू, और साइड साइड से मैंने बैटर डाला था, जो हमारा बैटर रेडी हो चुका था, जो हमने सूजी का बैटर बना के रेडी किया था फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं हमारे पानी में कितनी बढ़िया बॉयल आ चुकी है। जब तक हम इसमें अपनी जो हमने गिलासों में स्टफिंग फिल करी है उसको रख देंगे, और इसे दोस्तों हम 10 मिनट तक कुक करेंगे। ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 10 मिनट कुक करना है घड़ी से लगा के, और बीच में जैसे आपको लगे कि हो चुका होगा तो आप इसे टूथपिक से ज़रूर ट्राई करें। और अब हम इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए। दोस्तों मैंने इसी तरीके से तीनों गिलासों में फिल कर लिया था, अब हम इसको करेक्ट 10 मिनट के लिए ढक देंगे। दोस्तों 10 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे और ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 10 मिनट के लिए हम इसे लो टू हाई फ्लेम पे दोस्तों से कुक होने देंगे। 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी है, फूल चुके हैं। अब हम इसको दोस्तों टूथपिक की मदद से चेक करेंगे, ये बिल्कुल रेडी है ना, जिस नाइफ वगैरह देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन आया है, तो हमारा रेडी है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे 10 से 5 मिनट के लिए। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है फ्रेंड्स। ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले फ्रेंड्स। अब ये बिल्कुल ठंडे होके रेडी है दोस्तों, और ये देखने में जितना सुंदर लग रहे हैं उतने खाने में भी टेस्टी बने हैं दोस्तों। हम साइड से अब इसमें नाइफ की मदद से हम इसे इजिली निकाल लेंगे, हल्का सा रब करते ही देख सकते हैं कितना इजीली ये निकल आया ग्लास से। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर हमारे दोनों बॉल्स ग्लास में से निकल आई है, और अब हम इसको बिस्किट्स की शेप में काट लेंगे दोस्तों। वाह दोस्तों, आपके मुंह में तो पानी आ गया होगा ना, इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर से बिस्किट्स की शेप में। जैसे आपको जो शेप पसंद हो आप उस शेप में से कट कर ले, मैंने इसको राउंड शेप दी है दोस्तों। आप चाहो तो इन्हें ऐसे ही खा सकते हो दोस्तों, बट मैं इसको थोड़ा सा और फिनिशिंग लुक देने के लिए इसको मैं फ्राई करूंगी। ये मैंने एक पैन में 1 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। ये ऑयल को हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे, बिल्कुल धुआंधार गर्म हो जाए दोस्तों। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऑयल बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म हो गया है दोस्तों। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून राई, और आप इसमें करी पत्ता डाल सकते हैं दोस्तों। मैंने डाला इसमें धनिया पत्ती, और एक एक करके जो हमने गोल गोल बाइट्स में कट करी है अपनी कटलेट्स को उन्हें डाल देंगे, और इनको इसको मिक्स कर देंगे दोस्तों। दोस्तों मेरी साइड ना करी पत्ता नहीं है, तो आप इसमें करी पत्ता डाले और अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने धनिया पत्ती डाला है। मैंने बोला था ना दोस्तों, ना ये इडली है, ना ये ढोकला है, ना ये डोसा है, कुछ नहीं है, बस न्यू रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करना। ये मेरी रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी है। इस पर मैंने दोस्तों थोड़ी सी हरी मिर्च के स्लाइसेस रखे हैं, जैसे आपको नहीं खाना पसंद हो बिल्कुल ना रखे, लेकिन मैंने ना थोड़ा गार्निश करने की कोशिश करी थी, इससे और ब्राइट उभरता हुआ लगे, लेकिन आप बिल्कुल ना रखे, आपको ना खाना पसंद हो आप इसे जरूर बनाना फ्रेंड्स। आप इसे खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, आपके घर में से खाना सब लोग इसे जरूर पसंद करेंगे, और आपके घर पे कोई भी गेस्ट आ जाए तो आप इसे इंस्टेंट बना के उन्हें जरूर खिलाएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।